हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आज के इस जेनरिक सेशन में, एक इंफॉर्मेटिव सेशन में, जहां पर मैं आपको रीजनिंग के वो पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हर एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं बैंक या इंश्योरेंस के। ठीक है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही एग्जाम में पढ़ते हैं और यही हम पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें और ब्रीफ कर दूं कि भाई एक या दो चैप्टर के अलावा भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। तो इस सेशन में पूरी यही बात करेंगे, बड़ी संक्षिप्त रखेंगे इसको, बड़ा ब्रीफ में आपको मैं मतलब बताने वाला हूं एग्जैक्टली इसमें क्या है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और क्या क्या आपको तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि फटाफट इस सेशन को जरा शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां जहां आप जुड़े हैं, ताकि बाकी लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच पाए। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक नहीं किया है तो। अब देखो क्या क्या हो सकता है, तो भाई दो तो सबको पता है, एक ये पजल तो भैया 100% एग्जामिनेशन में आएगी, चाहे वो आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। अब उसमें जो पजल के टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो क्लासिफिकेशन और सिक्वेंशियल पजल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सिक्वेंशियल में हो सकता है कि डे बेस्ड हो, मंथ बेस्ड हो, या फिर आप देखें फ्लोर बेस्ड हो, बॉक्स को आपको स्टैक में अरेंज करना हो, या फिर कुछ लोगों को कहीं भेज रहे हैं आप, उनके कुछ मन पसंदीदा खाना है कुछ इस तरीके की, या फिर रंग है, इस तरीके के क्वेश्चन को भी देखते हैं, और कई बार जंबल्ड स्टेटमेंट्स वाले पजल्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर हैं, पर यही दो बेसिकली ऊपर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप एग्जाम में पाएंगे, क्लासिफिकेशन और सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल में फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड, मंथ के अलावा डेट बेस्ड, मंथ डेट दोनों हो सकता है आ जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, फ्लैट भी आजकल इंक्लूडेड है उसमें, तो वो भी है भाई। यहां से आप सब जानते हो कि 10 से 15 सवाल तो मिनिमम बन जाते हैं, यानी कम से कम 2 से 3 पजल तो बनती ही बनती है, इससे कम तो नहीं बनेगी एग्जाम में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट एनी डाउट। इसके अलावा आपको यह भी पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट इसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है, यह हम सबको फिर से पता है। इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन है, रो बेस्ड क्वेश्चन होता है जहां सिंगल रो या टू रोज के भी सवाल पूछे जाते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल, या फिर जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड या दोनों मिक्स हो, अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप रो या सर्कल दोनों में देख सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट हैं जो अकस्मात ही आप कभी देख सकते हैं कि वो आया है, कभी कभी ज्यादातर सर्कुलर और रो बेस्ड, रो में भी अनसर्टेन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, है ना। तो इससे भी हम जहां तक देखते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, अगर एक सिटिंग अगर 3 आ गई तो पजल 2 आता है, पजल 2 आ गई तो सिटिंग 3 आ गई, ऐसे वाइस वर्सा चलता रहता है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, मतलब ये दो चैप्टर तो विदाउट एनी डाउट है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बाद भी तो दुनिया है जहां आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उन चैप्टर्स के बारे में भी जानते हैं। सो भैया ब्लड रिलेशन, इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं भाई, अरे यार ये तो मैं करता ही हूं, मैं तो कर ही लूंगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके एग्जाम में खुदा ना खास्ता एसएससी का एग्जाम आप नहीं देते हैं, अगर इंडिकेटिंग फॉर्म का सवाल आ गया, आपको लगता है कि वो बहुत आसान है सॉल्व करना, वो अगर आप सॉल्व 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने लगे हैं ना, तो ब्लड रिलेशन फिर आपका सबसे बेस्ट है। ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट अगर सीखना हो तो इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन लगाइए, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशंस, वो ही आपका बेसिक है। सो इनडायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं आपके बैंक एग्जाम में, लेकिन नीचे के जो दो हैं, That is coded form and puzzle form, या फिर statement based blood relation, ये आपको देखने को मिलेगी प्री या फिर मेंस में। और ये ऐसा सवाल है जो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपको अच्छा स्कोर और बहुत तेजी से दे सकता है as compared to sitting arrangement और puzzle। तो 3 से 5 सवाल आपको ब्लड रिलेशन के देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये बहुत बड़ा नंबर होता है।
जहां लोग 0.25 से मिस कर जाते हैं, अगर उनसे आप 5 नंबर आगे निकल जाएंगे सो बहुत आप बेहतर कर पाएंगे, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। सो ब्लड रिलेशन को भी फोकस कीजिए, ढेर सारे सवाल लगाइए, कंसेप्ट सीखिए अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है उसका। तो इसके अलावा अगर दूसरे चैप्टर की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलॉगिज्म। इससे बराबर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। मैं आज आपको एक सच बता दूं, मैंने करीबन 10-15 हजार सिलॉग्स के सवाल तो अपने 10 साल के कैरियर में लगाया, हर साल 1000 तो मिनिमम लगा ही लेता हूंगा मैं। तो अगर 10 साल के कैरियर की बात करें तो 10,000 सवाल तो मिनिमम हो गए। 10,000 सवाल लगाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सिलॉग्स में एक ऐसा सवाल सामने आता है कि यार ये क्या है, ये कुछ नया है, इसको कैसे बनाया जाए। तो आपके दिमाग में एकदम से बत्ती जलती है और वो जो आपका बेस है ना, अगर वो स्ट्रांग है तो फिर तो वो आप पकड़ ले जाओगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सिलॉग्स को बिल्कुल हल्के में ना लें, जो आपके बेसिक क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। कोडेड सिलॉग्स, ये मेंस में आता है, रिवर्स सिलॉग्स या फिर कोडेड सिलॉग्स, अदरवाइज सिंपल सिलॉग्स के क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, अब तक क्या मेरा जो अनुभव है। और रिवर्स सिलॉग्स कुछ नहीं, कंक्लूजन देके स्टेटमेंट कौन सा सही है पूछता है। और कोडेड सिलॉग्स में कोड्स दिए जाते हैं, ऑल, सम, नो, सम नॉट का कोड देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये दोनों मेंस में ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो इससे भी आप देखेंगे कि 3 से 5 सवाल तो हर साल बन ही रहे हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको 100% मिलेगा। और अगर ये नहीं मिला तो दो भाई हैं, एक भाई अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा भाई मिल जाएगा, दोनों बिछड़े हुए हैं तो एक साथ आने का थोड़ा चांस कम होता है। इनइक्वालिटीज, ये वो पांचवा टॉपिक है जो काफी आसान है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आपको 3 से 5 सवाल एग्जामिनेशन में इससे भी मिलते हैं और आप आसानी से इन 3 से 5 सवालों को सॉल्व कर सकते हो। प्रीलिम्स में आपको सिंपल इनइक्वालिटी मिल जाएगी, जहां एक स्टेटमेंट में 2-3 स्टेटमेंट आपको अलग अलग दिए जाएंगे, जोड़ के आप आंसर निकाल लो। कोडेड इनइक्वालिटीज जो होती है वो ज्यादातर मेंस में देखने को मिलती है और ये क्वेश्चन लेंदी थोड़ा सा होता है, पर इसके ट्रिक्स भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी सेशंस लेकर, आप उनको देख सकते हैं। साइक्लिक इनइक्वालिटी भी सिंपल इनइक्वालिटी का ही पार्ट है, लेकिन यहां जब कोई एक ही एलिमेंट की आवृत्ति 2 बार हो जाए, मतलब 2 बार वो दिख जाए, जैसे b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, c इज लेस देन d, d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू e, e इज इक्वल्स टू b, इज लेस देन a, कुछ ऐसा आ जाए, तो आप देखिए यहां पर b को 2 बार आप देख पा रहे हैं, लूप बन गया है b का। तो यहां b से अगर आप बात करें a की, b से e की, तो b से e लेफ्ट टू राइट रिलेशन भी है और b से e का राइट टू लेफ्ट रिलेशन भी है। इधर से अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहां भाई अपोजिट साइंस है तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप इधर से जाएं तो E इज इक्वल्स टू B है, तो इधर से अगर E इज इक्वल्स टू B पूछा होगा कंक्लूजन तो वो ट्रू हो जाता है, यानी टू वे रिलेशन बन जाता है और इसीलिए इसको साइक्लिक इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये बहुत ही रेयर है, बट एग्जामिनर को थोड़ा भी अगर पता होगा तो वो जरूर देना चाहेगा एग्जाम में ताकि आपको फंसा सके। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, 5 जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताए, पजल्स, सिटिंग, ब्लड, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सिटिंग पजल पे फोकस ना करें, आप इन पे भी फोकस करें, क्योंकि ये आपको कम समय में ज्यादा नंबर दिलाएंगे। सिटिंग पजल ज्यादा समय में कम नंबर दिलाते हैं, ये समझा समझा के मेरे बाल भी पक रहे हैं अब। हाँ, तो भाई इस चीज को मानिए आप, जो लोग हो सकता है इससे अपनी दुकान चला रहे हैं वो मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन यही सच है कि भाई खाली सिटिंग पजल से अगर सबका एग्जाम निकलना होता तो आज सारे लोग बैंक का एग्जाम में क्लियर करके बैंक में बैठे होते, क्योंकि हजारों लाखों पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो चुके हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उससे सिर्फ थोड़ा नंबर आता है, पास नहीं हो पाते हैं। पास होने के लिए आपको इन चैप्टर्स को भी फोकस करना पड़ेगा और इससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के सेशन में बस इतना ही कहना था आपसे कि आप प्लीज फोकस करिए उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जिनको जनरली आप नहीं फोकस करते। तो आज इतना ही, ऐसे और सेशंस के लिए कीप इंबाइबिंग, वी बिलीव इन यू। कीप इंबाइबिंग, वी बिलीव इन यू।